महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी दंगल के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आने लगा है। सियासी चेहरों का दल बदल भी शुरू हो गया है। हाल ही में केजरीवाल के सबसे करीबी रहे कैलाश गहलोत ने कमल का दामन थाम लिया है, लेकिन इतिहास गवाह है, जो आप से गया वो सियासत से गया। बता दें कि कैलाश गहलोत पहले नेता नहीं है जिन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़कर दिल्ली की सियासत में पांव जमाने की कोशिश की हो। इस फेहरिस्त में करीब 10 से ज्यादा नेता हैं और इसमें दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की सियासत में केजरीवाल को छोड़ने वाले किसी भी नेता का करियर चमका नहीं है। बात सबसे पहले योगेंद्र यादव की। 2015 में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब योगेंद्र यादव टीम केजरीवाल के अहम स्तंभ थे। वो आम आदमी पार्टी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार भी थे। उस वक्त कहा जा रहा था कि पार्टी राज्यसभा भेज सकती थी, लेकिन नीतिगत मुद्दे को लेकर उनकी केजरीवाल से ठन गई। आम आदमी पार्टी छोड़कर योगेंद्र यादव ने खुद की पार्टी भी बनाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिलहाल योगेंद्र यादव कांग्रेस के मंच पर कभी कभार नजर आ जाते हैं, हालांकि उनके पास कोई भी बड़ा पद अब नहीं है। बात करें कुमार विश्वास की, तो अन्ना आंदोलन से कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में थे। तब उनकी गिनती तेज तर्रार नेताओं में होती थी। 2017 तक केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन 2017 में दोनों के रिश्ते खराब हो गए। 2018 में कुमार को राज्यसभा नहीं भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने हाई कमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। आम आदमी पार्टी से अलग हुए विश्वास अब राजनीति से दूर नजर आते हैं। विश्वास अब राम कथा और कवि सम्मेलन के जरिए लोगों के बीच संवाद करते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने पानी और अन्य मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था और आखिर में केजरीवाल का साथ छोड़कर 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया था और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मिश्रा को मॉडल टाउन से मैदान में उतारा था, लेकिन कपिल मिश्रा चुनाव हार गए थे। फिलहाल कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है राजकुमार आनंद का। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार ने इसी साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। केजरीवाल को छोड़ने के बाद आनंद बहुजन समाज पार्टी में आए, लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा और जुलाई में आनंद बीजेपी में शामिल हो गए, जहां अभी तक उन्हें अपनी भूमिका का इंतजार है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में ही एक और मंत्री ने मंत्री पद के साथ पार्टी छोड़ी, जिनका सियासत पर ग्रहण लग गया। हम बात कर रहे हैं सीमापुरी सीट से विधायक राजेंद्र पाल गौतम की, जिन्होंने आलाकमान पर दलित नेताओं के साथ आरोप लगाया भेदभाव का, पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में चले गए, लेकिन वहाँ उनके पास ना तो कोई पद है और ना ही उनके चुनाव लड़ने की कोई चर्चा है। 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में पंकज पुष्कर तिमारपुर से विधायक चुने गए, जो योगेंद्र यादव के करीबी भी माने जाते थे। योगेंद्र यादव के पार्टी छोड़ने के बाद पंकज आम आदमी पार्टी में साइडलाइन हो गए। 2020 के चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद पंकज पुष्कर की सियासत थम सी गई। खैर, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी केजरीवाल को छोड़ने वालों की सियासी हालत खराब ही नजर आई। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का चेहरा रही सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया भी अब साइडलाइन चल रही है। 2015 में केजरीवाल पर आरोप लगाकर अंजलि ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी सियासत सशक्त नहीं हो पाई। ये वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी सियासी चमक धमक कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ उनकी वजह से अर्श पर पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही केजरीवाल का साथ छोड़ा उनकी सियासत फर्श पर आ पहुंची है। अब देखना है कि कुछ दिन पहले ही केजरीवाल के साथ छोड़ने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत का
सियासी सफर क्या रंग लाता है। वैसे तो सियासी गलियारों में कैलाश गहलोत को बीजेपी में सीएम पद के दावेदार तक भी बताया जा रहा है, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो यही नजर आता है कि जो आम आदमी पार्टी से गए वो राजनीति से गए, केजरीवाल को छोड़ने वाले सियासत से गुम हो गए। खैर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।